ओके गाइस नमस्कार, मेरा नाम है मनोज राणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेट सेट एंड पीएचडी इन टूरिज्म। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एनएसटेट एनसीएचएमसीटी एनएसटेट 2020 की नोटिफिकेशन एनसीएचएमसीटी की वेबसाइट पे आ चुकी है। ये रही नोटिफिकेशन और मैं आपको इस वीडियो में इस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में बताऊँगा। इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ में बताऊंगा क्रैश कोर्स फॉर दिस कोर्स। बहुत कम टाइम बचा है, 11th ऑफ अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होना है, तो आइए डिस्कस करते हैं क्या इस बार इन्होंने इसमें खास रखा है और क्या इसके पॉइंट्स हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस खुल के सामने आएगा कुछ ऐसे गाइस, और उसके बाद आप जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक और नया इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, और यहाँ पे आप इस पर डाउनलोड करेंगे या इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा आपके सामने। ये अब ये इस नोटिफिकेशन का सबसे लास्ट पेज है, ठीक है। तो पहले मैं आपको लास्ट पेज ही समझाऊंगा क्योंकि इस पर इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस फॉर्म को भरने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका हेडिंग है टाइम टेबल फॉर एनएसटेट अप्रैल 2020। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सबमिट करेंगे उसकी डेट्स हैं 10th ऑफ फेब से शुरू हो चुका है और ये चलेगा 24th ऑफ मार्च 2020 तक। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग डीडी, जो डिमांड ड्राफ्ट है जो उसकी फीस है उसका डिमांड ड्राफ्ट बना के 27th ऑफ मार्च तक आप इसको एनसीएचएम की एनसीएचएमसीटी नोएडा भेज सकते हो। जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज होंगे 6 से 11th अप्रैल के बीच में। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 11th ऑफ अप्रैल को होगा और ये इसकी दो सिटिंग्स में एग्ज़ाम होगा, 9 से 11 होगा, देन आपको हाफ एन आवर का ब्रेक मिलेगा और 11:30 से 1:30 के बीच में एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो इसकी आंसर की है वो 12th ऑफ अप्रैल को अपलोड कर दी जाएगी। जो चैलेंज किसी को अगर आंसर करना है तो वो 16th अप्रैल तक इसको चैलेंज कर सकता है, और उसके बाद जो चैलेंज आए होंगे उनको उस पर एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी 20th ऑफ अप्रैल को, और उसके बाद वो फाइनल डिसीजन लेंगे एंड दे विल अपलोड द फाइनल आंसर की, एंड ऑन 24th ऑफ अप्रैल वो इसका रिजल्ट अपनी साइट पे अपलोड कर देंगे गाइस। ओके, तो ये तो टाइम टेबल है एनएसटेट 2020 का। आइए अब देखते हैं कि इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में क्या क्या इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्कीम फॉर नेशनल हॉस्पिटैलिटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एनएसटेट टू बी कंडक्टेड बाई एनसीएचएमसीटी, ब्रोशर फॉर एनएसटेट अप्रैल 2020, ये इसका ओवरव्यू है, इसकी एक हिस्ट्री है, देन इसके आप जैसे स्क्रॉल करेंगे एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, कौन इस एग्ज़ाम को भर सकता है। इस एग्ज़ाम को वो बच्चे भर सकते हैं जिनकी बैचलर्स डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर होटल मैनेजमेंट आफ्टर प्लस टू, या तो एनसीएचएमसीटी से या फिर किसी यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स, ओके, जिन्होंने वो पास कर ली है, प्लस उनके पास 2 साल का होटल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या तो वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, या जिनके पास पीएससी के बाद उन्होंने मास्टर्स कर रखी है, ठीक है, एंड उसमें उनके 55% मार्क्स हैं। तो या तो आपके पास बीएससी होटल मैनेजमेंट है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप तब ये एग्ज़ाम भर सकते हैं, या आपके पास बीएससी और एमएससी है और एमएससी में आपके 55% मार्क्स हैं, ओके गाइस, ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। अगर कोई बच्चा एमएससी कर रहा है और वो 4th सेमेस्टर में है, मीन्स फाइनल सेमेस्टर में है, तो वो भी इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, पर ध्यान रखें जो बच्चा 3rd सेमेस्टर में है वो इस एग्ज़ाम को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। जो आपकी एज है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ओके। सो अगर कोई एससी एसटी और पीडी कैटेगरी से है तो उसको 3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो ये एज का फैक्टर आप काउंट कर लें, इसको ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद टीचिंग एसोसिएट के लिए जो एज है वो 30 इयर्स है, असिस्टेंट लेक्चर के लिए जो एज है वो 35 इयर्स है। आगे कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने इसमें रिलैक्सेशन दी है, तो वो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लें गाइस।
देन अगर हम बात करें इसके पेपर की, तो इसके तीन पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है वो, पेपर 1 एंड 2 जो है वो आपका एक सीटिंग में होगा, ठीक है। और जो सेकंड है वो सेकंड सीटिंग है, उसमें आपका पेपर 3 होगा। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, और ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इससे टोटल 100 मार्क्स हो गए। ओके गाइज, पेपर 2 भी आपका 50 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। और पेपर 3 जो आपका सेकंड सीटिंग में होना है, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आपके टोटल हो गए 200 मार्क्स। आपके टोटल मार्क्स बन जाते हैं 400। ध्यान रहे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ओके, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तब तो उस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और उसके आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। बट अगर आपने 2 OMR पे, अगर आपने 2 सर्कल कर दिए हैं या आपने रॉन्ग कर दिया है, तो उसका आपका हाफ मार्क जो है वो कट जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप एग्जाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पेपर 1 जो है वो आपका जनरल पेपर होता है, आपने UGC NET का जो पेपर होता है उसको सुना होगा आपने। अगर उसके बारे में, नेट का जो पेपर 1 होता है वो कॉमन पेपर होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी पेपर 1 रखने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे आपका मेन जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, देन योर रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। ओके गाइज, तो ये बहुत कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से टिपिकल रहते हैं, नेट के लेवल के तो नहीं होते हैं, लेकिन उसी से मिलते जुलते होते हैं। पेपर 2 जो आपका रहेगा, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, और उसका सिलेबस रहेगा न्यूट्रिशन, फूड साइंस, जनरल मैनेजमेंट, होटल अकाउंट्स। ओके, तो ये तो हम सब ने पढ़ा ही होता है हमारे BSc में और MSc में। एंड पेपर 3 जो है वो आपके, हमारे जो मेन 4 एरियाज हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्शन है, F&B सर्विस है, अकोमोडेशन है, एंड फ्रंट ऑफिस है। ओके गाइज, तो इन चारों डिपार्टमेंट से 25 25 क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल बन जाएगा 100 क्वेश्चंस। ओके, तो ऐसे आपका ये सिलेबस रहने वाला है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें, तो OMR पे, OMR शीट आपको मिलेगी। आई थिंक आप सबको पता ही है कि OMR शीट में एग्ज़ाम कैसे देते हैं। देन उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद इसकी आंसर की आएगी, जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और आंसर की, आप जब आंसर को चैलेंज करोगे, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इसमें आपको लगाना पड़ेगा। देन हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें जो आप जब एग्ज़ाम दोगे, तो जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा हुआ है वो टीचिंग एसोसिएट के लिए अलग रखा है, और असिस्टेंट लेक्चरर के लिए अलग रखा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिमम मार्क्स जो आपको ऑब्टेन करने हैं टू बिकम एलिजिबल। ओके गाइस, तो वो है पेपर 1 में आपको 45 मार्क्स, मीन्स 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है। सेम पेपर 2 में आपको 45% मार्क्स चाहिए, और 50% मार्क्स आपको चाहिए पेपर 3 में। ओके गाइस, ये हम बात कर रहे थे जनरल EWS and OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए। जो बाकी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए उसका जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। वैसे ही टीचिंग एसोसिएट के लिए इन्होंने अलग से कैटेगरी वाइज जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे टू बिकम एलिजिबल फॉर दीज कैटेगरीज। ओके, उसके बाद ये इसमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे जब बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे, तो उनको मार्कशीट कैसे भेजेंगे, और मार्कशीट पे क्या लिखा हुआ है। कहीं भी आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाद में अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दोगे और बाद में पकड़े जाओगे, तो अगर आपने वो NSTAT एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लिया होगा, तब भी आपका वो नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा गाइस। उसके बाद वैलिडिटी इसकी कब तक रहेगी, इसकी वैलिडिटी तब तक रहती है जब तक कि आपकी एज आपको अलाउ करती है। अगर आप 35 जैसे असिस्टेंट लेक्चरर है, तो 35 उसकी एज है। ओके गाइस, तो अगर आप 31 के, अभी 32 के हैं, अभी आपकी एज 32 है, और आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो फॉर असिस्टेंट लेक्चरर, तो आने वाले 3 साल तक आप पूरे इंडिया में जहाँ भी असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट निकलेगी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 35 जब तक आप ओवरेज नहीं होते हो, आप इसमें वहां पे अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, तो आई थिंक आप बड़े हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी, ओके गाइस, तो
जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी गाइस, मेल गाइस के लिए 800 है, फीमेल के लिए 400 है। ओके गाइस, तो ये आप फीस उसी हिसाब से आप डिमांड ड्राफ्ट बना के वहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। एडमिट कार्ड्स की आपको अलग से डेट्स दी हुई हैं। ये इसके एनएसटेट के टेस्ट सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ पे ये टेस्ट होने हैं। तो जो भी आपको नियर बाई सेंटर लगता है आपके एरिया ऑफ रेजिडेंस से जहाँ पे आप रहते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड एनएसटेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट निकलेगा और जो उसमें गाइस जो उसमें क्वालिफाई करेंगे उनका इस वेबसाइट पे वो रिजल्ट पेस्ट कर दिया जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद जो है आप गाइस जब ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। उसके बाद भी आप जब कहीं पे इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और स्किल टेस्ट में आपका जो प्रैक्टिकल स्किल है प्लस जो आपका टीचिंग स्किल है वो वहां पे चेक किया जाएगा। उसके मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो इसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको मार्क्स लगेंगे। उसके बाद ही आप उस जॉब के लिए सिलेक्ट किए जाओगे। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि आपके पास कितना टाइम बचा है। तो 10 फरवरी से ये फॉर्म भरना शुरू हुए हैं और 11 अप्रैल को आपका इसका एग्जाम होना है। तो आपके पास हार्डली हार्डली 60 डेज बचे हैं। यू आर लेफ्ट विद ओनली 60 डेज। अब हम बात करते हैं क्रैश कोर्स की। अगर आपको ये लगता है कि आप इसकी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास इनसफिशियंट टाइम है, या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप एक एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम इसको नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक क्रैश कोर्स डिजाइन किया है गाइस, उन सभी बच्चों के लिए जो अभी जॉब कर रहे हैं या जो अपने एमएससी के फाइनल सेमेस्टर में हैं, या जिनको लगता है कि बहुत कम टाइम बचा है और वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम की, प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या जिनको जिन्होंने पहले भी अटेम्प्ट किया था लेकिन उनसे नहीं हो पाया, उनको पेपर 1 बहुत टफ लगता है। तो उन सभी बच्चों को की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक क्रैश कोर्स डिजाइन किया है गाइस। 50 डेज का ये क्रैश कोर्स रहेगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पेपर 1 गाइस। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, सेट क्वालिफाइड हूँ। नेट का जो पेपर 1 आता है बहुत टफ आता है, और उसके मुकाबले जो एनएसटेट का पेपर 1 आता है वो उसका 50% भी नहीं है, ठीक है। तो पेपर 1 के तो आपको पूरे लेक्चर्स मिलेंगे, ऑडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, और पेपर 2 और पेपर 3 के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और एनएसटेट के और असिस्टेंट लेक्चर्स के, जैसे गुरदासपुर में हुआ था, शिमला में हुआ है, और भी बहुत जगहों पे लेक्चरर का एग्जाम हुआ है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस, वो सभी क्वेश्चन पेपर्स आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और उन्हीं सभी को देखते हुए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है। तो उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप विजिट करेंगे मेरी वेबसाइट ranajkgnet.com। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यू विल विजिट माई वेबसाइट ranajkgnet.com। जैसे आप ये गूगल पे टाइप करोगे उसके बाद ये पेज खुलेगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज मैं अपनी साइट पे रन करता हूँ, उन्हीं में से जो 5th कोर्स है दैट इज एनएसटेट क्रैश कोर्स, और ये कोर्स शुरू होगा 21st ऑफ फेबररी को। ओके गाइस, 21st ऑफ फेब को ये कोर्स शुरू होगा और ये 50 डेज का कोर्स है। आप जैसे इस पे लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इस कोर्स कब शुरू हो रहा है और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देन कंप्लीट नोट्स विद ऑडियो एक्सप्लेनेशन फॉर पेपर 1, पीडीएफ नोट्स फॉर पेपर 2 एंड पेपर 3, एंड मॉक टेस्ट्स। ओके गाइस, यहाँ पे आके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं यू कैन चेक द डेमो। तो आप जैसे व्यू डेमो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ डेमो लेक्चर्स हैं जो आपके सामने हैं आएंगे, जो पेपर 1 से रिलेटेड है। आपने देखा होगा एक्शन रिसर्च होता है, लेवल ऑफ टीचिंग आता है, देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है, देन रिसर्च है, ट्रेडिशनल रिसर्च है, रीजनिंग है, रिसर्च टाइप्स है। ये कुछ डेमोज हैं, इनको देख के अगर आपको लगता है कि
सेटिस्फैक्ट्री है तो आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप जैसे ही इसमें बैक का बटन दबाएंगे, यहाँ पे लिखा है ज्वाइन द कोर्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा आपके सामने, एक नया इंटरफेस खुल के सामने आएगा। इसकी टोटल कॉस्ट रखिए 5000 गाइस, 5000 ओनली एंड 50 डेज क्रैश कोर्स। तो ये 10 अप्रैल तक ये कोर्स चलेगा, 11th को आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे इसको आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे, ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको अपना व्यू कार्ट हो गया, देन यू विल व्यू योर कार्ट, देन यू विल यू नो यहाँ पे टोटल आपका अमाउंट बन जाता है। आपका एक प्रोडक्ट है, आपने इसको कार्ट में ऐड किया था, यहाँ पे यू विल प्रोसीड टू चेकआउट एंड देन यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन पूरी फिल करेंगे। गाइस यहाँ पे मुझे जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपकी आपका फ़ोन नंबर चाहिए होगा और आपकी ईमेल आईडी चाहिए होगी। ओके गाइस, ये भरने के बाद आप इसको यहाँ पे आई हैव रीड एंड अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड देन यू विल प्लेस ऑर्डर। यहाँ प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुलेगा कि आप पेमेंट नेट बैंकिंग से कर रहे होंगे या डेबिट कार्ड से कर रहे होंगे या क्रेडिट कार्ड से कर रहे होंगे। पेमेंट करने के बाद जैसे अब आप पूरी पेमेंट कर दोगे तो एक मेल जो आपने उस अपने बिलिंग एड्रेस में एक मेल आईडी भरी होगी वहाँ पे आपको मेल आएगा कि आपने ये कोर्स ज्वाइन करा है, और एक मेल मुझे आएगा जहाँ पे मुझे आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर सब कुछ मिलेगा, और फिर मैं उस नाम को उस फ़ोन नंबर को अपने उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा जिसमें हम 21st of Feb को ये कोर्स चलाने वाले हैं। ओके गाइज, मैं अभी IHM शिमला में असिस्टेंट लेक्चरर हूँ, मेरे पास 7 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 3 years का मेरे पास होटल का एक्सपीरियंस है। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, सेट क्वालिफाइड हूँ, और अभी मैं PhD कर रहा हूँ टूरिज्म में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। सो यू कैन ट्रस्ट मी, जिस जो ये कोर्स करने के बाद आप जहाँ पे ज्वाइन करने वाले हो, मैं उसी सिस्टम का पार्ट हूँ पिछले 10 साल से। इस वीडियो के एंड में यू कैन चेकआउट माई प्रोफाइल एंड इफ यू आर सेटिस्फाई with this video and with this the content and with this with the content of demo classes, then you can join this course and you can motivate all your colleagues and your friends who really want to be a part of this system and who want to be assistant lecturer. So don't waste time, you are left with very less time, only 60 days. So take your decision and join this course and hopefully, I'll see you on 21st of Feb. We'll start the course. Okay, guys. Thank you. Thank you so much. God bless you all. NSTAT के regarding सभी notifications, exam schedule, result, answer की इसके बारे में सभी notification पाने के लिए इस channel को subscribe करें प्लीज, एंड अपने सोशल मीडिया में अपने जो कंसर्न हैं, जो इस एग्ज़ाम को भरने वाले हैं उन तक ये शेयर करें। थैंक यू सो मच। Yeah, yeah, oh, 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 yeah, yeah.